हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, पैरालंपिक खेल जो हैं इस बार इसका कौन सा संस्करण देखिए आयोजित हुआ, भारत के ध्वजवाहक कौन थे इसमें, भारत ने कितने पदक जीते, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए पदक लेके आए। तो ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराऊंगी, देन हम कुछ इस पर MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू से अंत तक कम्प्लीट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करती हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराती हूँ, फिर हम इसके ऊपर MCQs भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बार जो पैरालंपिक्स थे ना, ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक थे। अगर आप लोगों से पूछे कि कौन सा संस्करण था, तो इस बार जो है इसका हुआ था 17वां संस्करण, यानी इसका ये 17 एडिशन था 2024 में। अच्छा, इससे पहले जो हमारे पैरालंपिक गेम्स हुए थे ना, वो 2020 वाले थे, लेकिन हुए 2021 में थे, 2021 में थे। 2020 में वो कोविड की वजह से जो है उनको पोस्टपोन किया गया था। तो उस टाइम वो कहाँ पे हुए थे, तो 2020 का आप कह लीजिए जो 16वां संस्करण हुआ था, देखिए ये कहाँ पे हुआ था, तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, ये टोक्यो जापान में हुआ था। 4 साल के बाद देखिए ओलंपिक गेम्स होते हैं। फिर 2024 आया, जिसमें 17वां संस्करण, और ये कहाँ पर हुआ, देखिए पेरिस फ्रांस में। अब अगर इसके बाद नेक्स्ट एडिशन की बात करेंगे, तो वो होगा 2028 में, और वो होगा कौन सा एडिशन, 18वां एडिशन होगा। बात करें कहाँ पर होगा, तो ये होगा लॉस एंजल्स USA में। तो नेक्स्ट एडिशन के बारे में भी ना हमें ये याद रखना है कि बस इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। इस बार के जो पेरिस पैरालंपिक्स थे ना, ये 28 अगस्त से शुरू हुए थे, कब तक चले थे, 8 सितंबर तक। इसका देखिए आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य रहा है गेम्स वाइड ओपन, और इसका मेस्कॉट क्या है, मेस्कॉट का नाम है फ्रीजेस। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। कुल इसमें कितने खेल थे, कुल 22 खेल इसमें हुए थे। इसका जो उद्घाटन समारोह था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज। और जो इसका समापन समारोह, जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग सेरेमनी, वो कहाँ पे हुई थी, तो पेरिस के स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन समारोह हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए फ्रेंड। चलिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक जो हुए थे, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, इसका जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में देखिए ध्वजवाहक थे भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट की प्लेयर भाग्यश्री जाधव। सो ये दोनों प्लेयर जो हैं ये उद्घाटन समारोह में रहे थे भारत के ध्वजवाहक। ऐसी ही अगर बात करें समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे, ये भी याद रखना है, प्रीति पाल धाविका और हरविंदर सिंह, ये तीरंदाज हैं। सो हमें उद्घाटन समारोह का भी याद रखना है और फ्रेंड्स समापन समारोह का भी, दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो देखिए इस बार भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे, तो टोटल 84 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें 52 थे पुरुष और 32 महिलाएं थी। तो टोटल हो गए 84 खिलाड़ी। भारत कितने खेल में शामिल हुआ था, तो देखिए खेल तो हमारे 22 थे इस बार के पेरिस पैरालंपिक में, लेकिन 22 में से भारत जो है ना 12 खेलों में शामिल हुआ था। भारत 3 नए खेलों में इस बार शामिल हुआ था, जो कि है पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। इस बार के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत के शेफ डी मिशन कौन थे, तो इनका नाम है सत्य प्रकाश सांगवान। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए सबसे पहला मेडल कौन लेके आई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला मेडल कौन लेके आई, अवनी लेखरा निशानेबाज हैं ये, और कौन सा मेडल लेके आई थी भारत के लिए, स्वर्ण पदक लेके आई। और सबसे अंतिम मेडल कौन लाए, नवदीप सिंह भाला फेंक में, और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। देखिए शुरुआत भी बहुत अच्छे से हुई थी स्वर्ण पदक के साथ, और ऐसे ही आप कह लीजिए इसका अंत भी बहुत अच्छे से हुआ है स्वर्ण पदक के साथ। इस बार का जो पैरालंपिक गेम्स रहा है वो भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है,
काफ़ी अच्छा हमारे सभी खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया है। अब पदक तालिका की थोड़ी सी बात करेंगे, किसने कितने मेडल्स जीते हैं। तो इस बार की पदक तालिका में देखिए सबसे टॉप पर कौन सा देश है, चाइना है। चीन ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, 220 टोटल, जिसमें जीते हैं 94 गोल्ड मेडल, 76 जीते हैं सिल्वर रजत पदक और 50 जीते हैं ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। तो टोटल मेडल्स याद रखेंगे 220। तो चाइना नंबर वन पे हो गया। सेकेंड थर्ड फोर्थ का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखिए हमें फर्स्ट पोजीशन वाला जो भी कंट्री होती है उसकी सभी चीज़ों को याद रखना है और याद रखना है भारत के बारे में। इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया की पोजीशन क्या रही है इस बार, 18। इंडिया जो है पदक तालिका में 18वें नंबर पे रहा है। भारत ने इस बार टोटल जीते 29 पदक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा भारत का। अगेन मैं वही कहूँगी, हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टोटल 29 पदक जीते हैं, जिसमें जीते हैं 7 स्वर्ण पदक, 9 जीते हैं रजत पदक और 13 जीते हैं भारत ने कांस्य पदक। तो ये आप लोगों से ना अलग अलग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मैं आपको एक ये आपको तालिका इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको याद कर लोगे ना तो आपको ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। आप इसको अलग अलग भी पूछें तब भी बता देंगे, एक साथ पूछें तब भी बता देंगे, भारत की पोजीशन पूछें आप तब भी बता देंगे। तो आप लोग ना एक पदक तालिका थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, अगर हम प्लेयर वाइज बात करती है कि जितने भी खिलाड़ियों ने देखे भाग लिया था उसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स कौन लेके आए, तो सबसे ज़्यादा मेडल्स लेके आए हैं चाइना के वाई वाई जियांग। स्विमिंग में देखिए इन्होंने टोटल जीते हैं इस बार पैरालंपिक्स में 7 मेडल, और 7 कौन सी हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद सेकंड प्लेस पे हैं स्विट्ज़रलैंड की सी डेब्रुनर, और इन्होंने टोटल 6 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 5 इन्होंने जीते हैं गोल्ड और 1 जीता है इन्होंने सिल्वर पदक। इसी के साथ एस रायमोंडी इटली से हैं, इन्होंने भी 6 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड और 1 सिल्वर। तो सबसे ज़्यादा पदक इंडिविजुअल बात हो रही है यहाँ पे, तो इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं वाई वाई जियांग, इनका नाम याद रखिएगा और इनकी कंट्री का नाम भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हमने आप लोगों को पदक तालिका भी बता दी, मेडल्स भी बता दिए, लेकिन भारत के जो 29 मेडल्स आई हैं ना वो कौन कौन से खिलाड़ी लेके आए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल रही है 29 खिलाड़ियों की, जिसमें सभी के नाम हैं, उनके खेल हैं, कौन से इवेंट में उन्होंने जीता है और कौन सा पदक जीता है। तो अगर आप ये पूरी जो है टेबल याद कर लेते हैं ना, तो फ्रेंड्स इसके अलावा आप लोगों को कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से ही आपके बन जाएंगे। कई बार आपसे खेल पूछ लेंगे, कई बार इवेंट पूछ लेंगे, कई जगह आपको पदक पूछ लेंगे कि उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको यहीं से ही बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी खिलाड़ियों की बात करते हैं। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा ने देखिए सबसे पहला मेडल लेके आई थी भारत के लिए, स्वर्ण पदक लेके आई ये शूटिंग में, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, इसमें इन्होंने शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। ये सेम इवेंट जो है ना इसमें एक और खिलाड़ी ने पदक जीता, मोना अग्रवाल ने, इन्होंने कांस्य पदक जीता। पहली बार ऐसा हुआ है कि पोडियम पे एक ही इवेंट में भारत के दो खिलाड़ी थे, जिसमें शूटिंग में ये जो शूटिंग की ये प्रतियोगिता हुई थी ना इसमें गोल्ड मेडल पे रही अवनी लेखरा और जो कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल पे रही मोना अग्रवाल। ये पॉइंट अलग से याद रखिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्रीति पाल एथलेटिक्स खेल में महिलाओं की 10 मीटर T35 में इन्होंने जीता है कांस्य पदक। उसके बाद देखिए मनीष नरवाल शूटिंग खेल में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने जीता रजत पदक। अगली खिलाड़ी है रूबीना फ्रांसिस, शूटिंग इनका खेल है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में जीता इन्होंने कांस्य पदक। उसके बाद देखिए प्रीति पाल एथलेटिक्स महिलाओं की 200 मीटर T35 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो प्रीति पाल के बारे में हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, प्रीति पाल ने देखिए एक ही इस बार मतलब एक ही पैरालंपिक्स में दो बार इन्होंने पदक जीते हैं, अलग अलग इवेंट में जीते हैं। तो इनका नाम थोड़ा सा ज़रूर याद रखिएगा, एक तो इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर में जीता, दूसरा पदक इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर में जीता है, दोनों ही इन्होंने जीते हैं कांस्य पदक। अगले प्लेयर हैं निषाद कुमार एथलेटिक्स,
पुरुषों की हाई जंप T47 में इन्होंने जीता रजत पदक। नेक्स्ट प्लेयर योगेश कथुनिया, पुरुष डिस्कस थ्रो F56 जो इवेंट था उसमें जीता है इन्होंने रजत पदक। नेक्स्ट देखिए नितेश कुमार, नितेश कुमार गोल्ड मेडल लेके आए बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 इवेंट में। नेक्स्ट प्लेयर है थुला सीमाथी मुरुगेसन, बैडमिंटन में ही जीता है इन्होंने, महिला एकल SU5 जो है इवेंट था इसमें जीता है इन्होंने रजत पदक। अगले देखिए ये बैडमिंटन खिलाड़ी की बात हो रही है, मनीषा रामदास बैडमिंटन प्लेयर है, महिला एकल SU5 में इन्होंने जीता है कांस्य पदक। सुहास यथिराज ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पुरुष एकल SL4 इवेंट में रजत पदक इन्होंने जीता। इसके बाद देखिए एक मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन हुआ था आर्चरी में, उसमें राकेश कुमार और शीतल देवी जो इनकी टीम थी ना उन्होंने जीता है इसमें कांस्य पदक। नेक्स्ट आता है देखिए स्वर्ण पदक कौन लेके आए, सुमित अंतिल, पुरुषों के जैवलिन थ्रो F64 में सुमित अंतिल लेके आए भारत के लिए स्वर्ण पदक। अगली प्लेयर है नित्या श्री शिवान, बैडमिंटन में महिला एकल SH6 इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता। दीप्ति जीवन जी की बात करते हैं, इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर T20 में जीता है कांस्य पदक। आप थोड़ा सा ऊंची कूद की बात करें तो मरियप्पन थंगवेलु, पुरुषों की ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक जीता, और शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 में रजत पदक जीता। दोनों इवेंट सेम ही इवेंट है देखिए, लेकिन दो प्लेयर्स हैं, एक कांस्य पदक विजेता रहे, एक रजत पदक विजेता रही। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं अजीत सिंह की, इन्होंने पुरुषों के भाला फेंक F46 में जीता है कौन सा, रजत पदक। ये सारे क्लियर हो गए हैं, चलिए आगे बात करते हैं अगले और प्लेयर्स की। सुंदर सिंह गुर्जर, एथलेटिक्स खेल है, पुरुष भाला फेंक F46 में कांस्य पदक रहे विजेता। सचिन खिलाड़ी, पुरुष शॉटपुट F46 में रजत पदक इन्होंने जीता। आगे बात करेंगे स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह की, इन्होंने पुरुष इंडिविजुअल रिकवर ओपन में जीता है स्वर्ण पदक, वेरी इंपॉर्टेंट इनका पदक याद रखिएगा। धर्मवीर जो है इन्होंने पुरुष क्लब थ्रो F51 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्लेयर है प्रणव सूरमा, इन्होंने पुरुष क्लब थ्रो F51 में जीता है रजत पदक। कपिल परमार, जूडो खेल है इनका, और पुरुष 60 किलोग्राम जीवन में जीता इन्होंने कांस्य पदक। इसके बाद प्रवीण कुमार विजेता रहे देखे स्वर्ण पदक की, इन्होंने पुरुष हाई जंप T64 में ये स्वर्ण पदक लेके आए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे होकोतो होताई होतोझोई सीमा, पुरुष शॉटपुट F56 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्लेयर है सिमरन, सिमरन ने महिलाओं की 2 मीटर T12 इवेंट में जीता कांस्य पदक। और आखिरी मेडल कौन लेके आए थे भारत के लिए, नवदीप सिंह, आखिरी भी स्वर्ण पदक आया था पुरुष भाला फेंक F41 इवेंट में। देखिए प्लेयर्स के नाम तो वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट तो आप लोग सारे ही याद रखिएगा क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी जैसे प्रीति पाल का नाम इंपॉर्टेंट है, उनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, 2 बार उन्होंने जो है वो पदक जीता है। इस तरह से ये हमारे 29 प्लेयर्स हैं जो इस बार भारत के लिए जो है पदक लेके आए हैं, तो इनके नाम तो आपको क्लियर हो गए होंगे, बाकी मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं वो सभी पॉइंट्स भी याद रखिएगा। अब पैरालंपिक्स के बारे में चलिए स्टार्टिंग से थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। पैरालंपिक जो खेल है ना, ये कई तरह की विकलांगताओं से ग्रस्त अद्भुत एथलीटों को एक साथ लेके आते हैं। पैरालंपिक ग्रीक प्रपोजिशन पैरा से आया है जिसका अर्थ होता है साथ में, और ये ओलंपिक के साथ साथ चलने वाला आयोजन है। पैरालंपिक खेल जिन्हें द स्टोक मेंडेविले गेम्स कहा जाता था, इसको आधिकारिक तौर पर पहली बार 1960 में रोम इटली में हुए थे। तो पहली बार देखिए ये खेल कब आयोजित हुए थे, ये याद रखेंगे 1960 रोम इटली में। अच्छा, जो ओलंपिक और पैरालंपिक्स में जो गोल्ड मेडल होता है ना वो चांदी से बना होता है, ऐसा नहीं कि गोल्ड मेडल है तो सोने का है, वो चांदी का बना होता है, सिर्फ उस पर गोल्ड की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो गोल्ड मेडल रहे। ओके, तो वो पदक किससे होते हैं, चांदी से बने होते, और हर 4 साल के बाद जो है इनका आयोजन किया जाता है। तो पैरालंपिक गेम्स भी हर 4 साल के बाद होते हैं और ओलंपिक भी
चार साल के बाद आयोजित होती हैं। ओलंपिक में ओलंपिक रिंग्स होती हैं, जबकि पैरालंपिक में तीन प्रतीक होते हैं, तीन एजिटोस में तीन रंग होती हैं, जो है लाल, नीला, हरा। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको पेरिस के नीचे तीन तरह के कलर्स दिख रहे हैं, जिसमें है रेड, ब्लू और ग्रीन। तीन कलर ज़रूर याद रखिएगा। एजिटोस का मतलब लैटिन में होता है मैं चलता हूँ, और ये एथलेटिक गतिशील भावना का प्रतीक है। टोक्यो जो है दूसरी बार पैरालंपिक खेल की मेजबानी करने वाला इतिहास का पहला शहर है। सबसे पहला देखिए जो शीतकालीन पैरालंपिक्स गेम हुए थे वो 1976 में हुए थे, कहाँ पे? स्वीडन में हुए थे। इसके अलावा देखिए पैरालंपिक्स में अगर हम भारत की थोड़ी सी बात करें, पैरा एथलीट मुरलीकांत पेटकर ने पैरालंपिक गेम्स में साल 1972 में भारत को पहला मेडल जिताया था, और इन्होंने जीता था कौन सा? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। कुछ प्लेयर्स की हम यहाँ पे देखिए बात करें, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे उनके बारे में, देवेंद्र झाझरिया की बात करें, ये भाला फेंक इनका खेल है, तो दो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देवेंद्र झाझरिया। पहली बार इन्होंने जीता था 2004 में, देखिए ग्रीष्मकालीन जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद जब 2016 में रियो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें भारत को इन्होंने दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाया। तो दो बार जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय पैरालंपिक प्लेयर कौन है? देवेंद्र झाझरिया। अगली प्लेयर का नाम है दीपा मलिक। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने देखिए कब जीता था मेडल? 2016 में ग्रीष्मकालीन जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें शॉर्ट पुट में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो पहली महिला प्लेयर जिन्होंने पदक जीता पैरालंपिक खेलों में, इनका नाम याद रखना है दीपा मलिक। पैरालंपिक खेलों में देखिए भारत की भागीदारी 1968 से शुरू हुई, जब देश ने इसराइल के तेल अवीव में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भाग लेने के लिए एथलीटों की एक छोटी टीम भेजी थी। भारत ने 1976 और 1980 के संस्करण में भाग नहीं लिया था, लेकिन इसके अलावा वे 1968 से हर पैरालंपिक का हिस्सा रही हैं। ये दो बार जो एडिशंस थे, एक तो 1976 वाला, एक 1980 वाला, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की जो स्थापना है वो वर्ष 2014 में की गई थी। अब आते हैं हम पैरालंपिक 2024 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। देखिए इस बार जो पैरालंपिक का समापन हुआ है ना, उसमें भारत ने टोटल 29 मेडल जीतकर इतिहास रचा है, जिसमें 7 जीते हैं भारत ने गोल्ड मेडल, 9 जीते हैं सिल्वर और 13 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। भारत जो है मेडल टैली में कौन से नंबर पे रहा? 18वें नंबर पे। टोटल इसमें 170 देश थे जिसमें भारत 18 प्लेस पे रहा है। सबसे ज़्यादा मेडल जीत के चीन जो है नंबर 1 पोजीशन पे रहा। चीन ने जीते 94 गोल्ड, 75 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज, टोटल जीते 219 मेडल। पाकिस्तान ने भी देखे इस बार के पैरालंपिक में एक मेडल जीता है, वो भी एक कौन सा मेडल है उनका? ब्रॉन्ज मेडल। और पाकिस्तान की पोजीशन क्या रही है? 79 पोजीशन। सुमित अंतिल जो प्लेयर है उन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F64 में गोल्ड जीता है, और वो लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले बने हैं पहले पुरुष खिलाड़ी। तो इनका नाम याद रखेंगे सुमित अंतिल। अब देखिए पैरालंपिक खेलों की जो है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है उस समिति की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, तो पैरालंपिक खेलों को ये जो है वो ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और इसका मुख्यालय जो है वो जर्मनी के बॉन में है। अध्यक्ष हैं इसके एंड्रू पार्सन्स और उपाध्यक्ष हैं दुआनी काली। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है। इसी तरह से भारत की भी एक पैरालंपिक समिति है देखिए, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष कौन है इसके? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जिनके बारे में आपको बताया था कि 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए हमारी ईबुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में। अभी हमारी न्यूली लॉन्च ईबुक है जनवरी से अगस्त के करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी को आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सभी जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी पैरालंपिक्स के बारे में।
अब यहाँ से कुछ MCQs देख लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से हमसे यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं। तो एक एक करके हम थोड़े से MCQs को भी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक खेल 2024 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टेबल बताई थी ना पदक तालिका वाली, वो बस आपको याद करनी है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो इस बार पैरालंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते किसने जीते हैं, चीन देश ने जीते हैं। तो आपको ये जो टेबल है ना ये याद रखनी है। देखिए चीन ने जीते हैं 94 स्वर्ण पदक और सबसे ज़्यादा मेडल्स भी जीते हैं चीन ने, और भारत ने जीते हैं 7 स्वर्ण पदक। पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इस बार के जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनका आयोजन हुआ है पेरिस फ्रांस में। ओलंपिक पैरालंपिक सेम ही जगह पे हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पेरिस फ्रांस आपको वेन्यू याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक गेम 2024 में भारतीय खिलाड़ी इस बार कितने खेलों में प्रतिस्पर्धा किया, यानी कितने गेम्स में भारत ने जो है इस बार पार्टिसिपेट किया है। वैसे तो टोटल 22 खेल हुए थे लेकिन भारत ने पार्टिसिपेट किया था 12 खेलों में। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी। दो इन्होंने देखिए स्वर्ण पदक जीते हैं, इनका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने इस बार के देखिए ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले देखिए जो टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स हुए थे ना उसमें भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट SH1 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अगेन इस बार भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। अगर हम पुरुषों की बात करें कि पुरुषों में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, तो वैसे देवेंद्र झाझड़िया, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो अवनी जो है ना वो देवेंद्र झाझड़िया के बाद खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। अगर हम महिला पुरुष अलग अलग बात नहीं करेंगे तो दूसरी भारतीय बनी है अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं, ये भारत के किस राज्य से हैं। तो तीरंदाजी में स्वर्ण पदक लेके कौन आए, हरविंदर सिंह, इनका नाम याद रखना है, और ये बिलोंग करते हैं हरियाणा राज्य से। देखिए इनके नाम से आपको याद हो जाएगा हर से हरियाणा हो गया और हर से ही हरियाणा होता है, तो नाम में ही इनका जो है स्टेट का नाम भी छुपा है, इसको आप ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नितेश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। नितेश कुमार जो है इन्होंने जीता है फ्रेंड्स कौन सा गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने फ्रेंड्स पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, और नितेश कुमार कौन से राज्य से हैं, तो ये बिलोंग करते हैं भारत के हरियाणा राज्य से। तो देखिए निषाद कुमार ने ना पेरिस पैरालंपिक में जो पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 इवेंट हुआ था ना उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, और ये बिलोंग करते हैं भारत के हरियाणा राज्य से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो सुमित अंतिल जो है इन्होंने मेंस की देखे जैवलिन थ्रो जो F64 इवेंट हुआ था ना उसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, और सुमित अंतिल कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखिएगा, हरियाणा राज्य से। इन्होंने जो थ्रो किया था ना वो 70.59 मीटर का किया था और पैरालंपिक रिकॉर्ड भी इन्होंने इसमें सेट किया है। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो धर्मवीर जो प्लेयर हैं इन्होंने मेंस के देखे क्लब थ्रो F51 इवेंट में भारत के लिए जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरालंपिक में शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो प्लेयर का नाम है शरद कुमार और इन्होंने जीता है देखिए मेंस की हाई जंप जो इवेंट हुआ था उसमें रजत पदक इन्होंने जीता।
तो जितने प्लेयर्स की लिस्ट मैंने आपको बताई ना, अगर वो लिस्ट आप लोग याद कर लोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग इजीली उनका आंसर कर पाएंगे। तो लिस्ट से आप लोग ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉर्ट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी जो है, इन्होंने जीता है शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है। सुहास यतिराज जो है, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है रजत पदक। अच्छा, कैटेगरी थोड़ा सा याद रखिए कि अलग अलग कैटेगरी है। इन्होंने SL4 कैटेगरी में रजत पदक जीता है और सुहास यतिराज जो हैं ये भारत के कर्नाटक राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 जो 200 मीटर स्पर्धा हुई थी उसमें कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है। क्योंकि एक ही बार की देखिए पैरालंपिक्स में दो बार इन्होंने मेडल जीता है अलग अलग इवेंट में, इसी के साथ इन्होंने इतिहास रचा और दोनों बार इन्होंने जीता है कौन सा कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है। तो निषाद कुमार जो प्लेयर है ना फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है कौन सा रजत पदक। निषाद कुमार रहने वाले कहाँ से हैं, हिमाचल प्रदेश से, और सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहा था 2.04 मीटर के साथ में, और पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए तीसरा और देश के लिए कुल 7वां पदक जीता है उन्होंने। अगला क्वेश्चन, Under-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति बेरवाल ने महिलाओं की 76 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो इनका नाम है ज्योति बेरवाल और इन्होंने जीता है फ्रेंड्स स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। प्लेयर का नाम है प्रवीण कुमार और उन्होंने हाई जंप T64 इवेंट में जीता है भारत के लिए स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो नवदीप सिंह की बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स इन्होंने जीता है इस बार कौन सा पदक। तो फ्रेंड्स सही आंसर है यहाँ पे गोल्ड मेडल, और सबसे लास्ट मेडल भारत के लिए जो आखिरी पदक लेके आए हैं वो भी कौन है, नवदीप सिंह। भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। मैंने आपको कोशिश करी है कि पहले मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कवर करा दूँ, क्योंकि आप उतना ही कवर कर लोगे ना, आपको सारी जो क्वेश्चंस है ना वो इजीली वहीं से ही कवर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स पढ़े थे, जो भी हमने तालिका पढ़ी थी ना, उनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया, चलिए आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट के हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेल 2024 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। ओके, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि इस बार पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो आप सभी जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, कोई भी ईबुक अगर आप हमारी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करिएगा। वेबसाइट के लिए आप सर्च करें www.ravibookspdf.com। तो जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको हमारी ईबुक्स वहाँ पे मिल जाएंगी, उनको आप परचेज कर सकते हैं। इन ईबुक्स में आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा रवि करंट अफेयर्स बाय रवि पे डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन आता है ना, उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। उस सेशन का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम है, टेलीग्राम पर सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी GK, प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और हमने कोशिश करी है फ्रेंड्स कि आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है, MCQs हैं, वो इसी वीडियो में हम कवर करा सके। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।